हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम स्टडी करेंगे हिंदी में स्वर। ओके, तो हिंदी में जो हमारे वोवल्स जो हमने अ आ ई, ओके, तो वो हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 8। जो फर्स्ट हमारा है अ, अ से अनार। ओके, तो पेज नंबर 8 निकालो तो वहाँ पे हमें दिया हुआ है स्वर ए। अ से अनार, अ से अनार, अनार मतलब पोमेग्रानट, और अ से अजगर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि अ से अनार, तो यहाँ पे पहले हमें डॉट में दिया है, तो डॉट को हमें ट्रेस करना है। ये 3 ट्रेस हो जाए उसके बाद हमें लिखना है खुद से। ओके, तो ये 2 लाइन आपको कंप्लीट करनी है। फिर नीचे हमें दिया है पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट, तो वहाँ पे भी आपको क ख ग से लेके आपको लास्ट श तक दिया है, तो आपको क्या करना है, उसके नीचे की लाइन जो आप देखो तो वो भी आपको डॉट में दी है, तो आपको वो डॉट में पहले ट्रेस करना है। फिर नीचे की आप जो लाइन देख रहे हो, 2 लाइन है, तो वहाँ पे आपको लिखना है क से कमल, क से कमल 2 बार। फिर उसके नीचे लिखना है ख से ख, ख से खरगोश, ख से खरगोश। ओके, यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ऐसे 2 लाइन है। ओके, तो यहाँ पे जो ऊपर है वहाँ पे आपको लिखना है क से कमल, क से कमल, ख से खरगोश और ख से खरगोश। यहाँ पे डॉट वाला दिया है आपको, और यहाँ पे अभी आपको डॉट वाला, तो पहले आपको इसको ट्रेस करना है, फिर नीचे की लाइन में आपको खुद से लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ पे आप देखो कि पढ़ो, सीखो और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जो फर्स्ट है म न, तो हम लिखेंगे और साथ में रीड भी करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं म न। ओके, तो आपको साथ में लिखते भी जाना है और बोलना भी है। म न, म ट र मटर, नर गर दन, फिर है अ झ ग र अजगर, फिर है ब त ख बतक, न ल, फिर है अ द र क अदरक। तो ये थे हमारे वर्ड्स, मन मटर नर गर्दन अजगर बतख नल और अदरक। ओके, तो ये भी वर्ड्स आपको 3 टाइम लिखना है। पहले जो नीचे की लाइन है वो आपको डॉट में दी है, फिर 2 लाइन आपको खुद से लिखनी है। फिर उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम आपको एक पूरा सर्कल दिया है, तो हम पहले वो देख लेते हैं। अ से शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो, तो वहाँ पर क्या करना है, टिक राइट द वर्ड्स विच बिगेन विथ अ। तो बीच में आपको अ दिया है, तो अ से जितने भी लेट शब्द स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, तो वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है कि अ से असर। ओके, तो यहाँ पे हमें अ दिया है, तो फर्स्ट यहाँ पे है असर, तो ये अ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे राइट टिक किया। फिर है मगर, तो ये अ से स्टार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। फिर है अमर, तो यस, ये अ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी हम राइट टिक करेंगे। फिर है अनार, तो वो भी अ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे भी हम राइट टिक करेंगे। फिर है नगाड़ा, तो वो अ से स्टार्ट नहीं होता है। फिर है अदरक, तो वो अ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे भी राइट टिक करेंगे। तो हमारे अ से कितने लेटर स्टार्ट हुए, असर अमर अनार और अदरक। फिर उसके पास वाला जो है क्वेश्चन, अ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ, मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग अ इन द डिरेक्शन ऑफ एरो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अ दिया है और इस डिरेक्शन में हमें एरोज दिए हैं, कितने एरोज दिए हैं, तो 6। ओके, तो यहाँ पे एरो के पास लिखा है ना मर, फिर है जय,
काल और गर और गहन। तो हमें क्या करना है, अ से स्टार्ट होते, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया है अ ना र, तो यहाँ पे जो बॉक्स है वहाँ पे लिखा है अ ना र। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनार, फिर सेकंड वैसे अ म र, तो ये वर्ड्स पूरा बन गया। पहले ये बना अ ना र, अ म र, अ म र। फिर थर्ड, तो थर्ड वाला है अ ज य, फिर है अ का ल, फिर है अ ग र, फिर लास्ट है अ ग ह न, अघन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे का जो है चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो, तो ब्रैकेट में हमें ऊपर उसका आंसर दिया है, जैसे कि फर्स्ट है शब्द बस, सेकंड है कमल, घर और हल। तो फर्स्ट पिक्चर हमारा कौन सा है, तो फर्स्ट पिक्चर है घर, तो वहाँ पे हम लिखेंगे घर। फिर सेकंड है हल, तो वहाँ पे लिखेंगे ह ल। थर्ड वाला है बस, तो वहाँ पे आएगा ब स। थर्ड लास्ट वाला है कमल, तो वहाँ पे लिखेंगे हम क म ल। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10, तो वहाँ पे हमें दिया है न्यू क्वेश्चन, चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। तो वहाँ पे भी हमें वन साइड पिक्चर्स दिए हैं, फिर हमें बॉक्स दिए है, तो कुछ बॉक्स दो है, कुछ बॉक्स तीन है, कहाँ पे भी चार है। तो घर, तो घर का जो शब्द होता है वो कितने लेटर का होता है, दो लेटर का, तो घ र। ओके, उस तरह से यहाँ पे हम मैं शब्द लिखती हूँ, तो फर्स्ट जो बॉक्स है वहाँ पे आएगा घर, ओके, फिर सेकंड है नीचे वाला हल, फिर लास्ट थर्ड वाला जो है वो पिक्चर है कमल, तो यहाँ पे आएगा क म ल। फिर है फोर्थ वाला, तो वहाँ पे चार बॉक्स है, तो हाथ आरी, वहाँ पे आएगा हा थ आ री। फिर है लास्ट नीचे वाला जो पिक्चर है पेड़ का, वो है बरगद का पेड़, तो वहाँ पे भी चार बॉक्स है, तो ब र ग द। फिर सामने जो पिक्चर है रथ, ओके, तो वहाँ पे आएगा रथ, र थ। फिर बस का पिक्चर है, तो वहाँ पे आएगा ब स। फिर है मगर, मगर का पिक्चर है ना, तो वहाँ पे लिखेंगे म ग र। फिर है मटर, म ट र। फिर है कलश, क ल श। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहचान कर कोष्टक भरो, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे हमें पजल जैसा दिया है, जैसे हमें इंग्लिश में पजल आती है ना, वैसे ही यहाँ पे हिंदी में भी हमें पजल दिया है, पिक्चर भी दिया है साथ में, और साइड में हमें पूरा वर्ड्स भी दिया है, जैसे कि अजगर का पिक्चर है, मगर का है, और साइड में हमें नाम भी दिया है अजगर और मगर। तो वही पजल हमें कंप्लीट करनी है, जैसे कि अजगर तो उसका जो नेम है तो वो स्टैंडिंग लाइन में है, और मगर का है वो स्लिपिंग लाइन में। ओके, वैसे ही बस का है, बस जो है वो स्लिपिंग लाइन में आएगा वर्ड्स, और जो बत्तख है वो स्टैंडिंग लाइन में। वैसे ये पूरा पजल आपको कंप्लीट करना है। मैं भी आपको ओरली बता देती हूँ कि जो अ, एक एग्जांपल मैं यहीं पे बता देती हूँ, फर्स्ट यहाँ पे आपको अजगर का पिक्चर दिया है, और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स है,
और यहाँ पे ये वाला, तो अ छ ग र, और यहाँ पे आएगा म ग र। ओके, वैसे ही बाकी के आपको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो। तो यहाँ पे लुक एट द पिक्चर, सर्कल द वर्ड। तो यहाँ पे हमें पिक्चर भी दिए है साइड में, शरबत। ओके, तो यहाँ पे हमें पूरा एक बॉक्स दिए हैं जिनमें से हमें शब्द ढूंढ के सर्कल करना है और फिर यहाँ पे लिखना है। ओके, तो फर्स्ट शरबत का तो हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि फर्स्ट लाइन में स र ब त, जो वहाँ पे सर्कल करके फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वैसे ही हमें अदरक का ढूंढना है। तो अदरक का कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली लाइन में। फर्स्ट लाइन से आप देखो तो मिल जाएगा जो फर्स्ट लेटर है अ द र क, वहाँ से आप सर्कल कर दो तो यहाँ पे ये अदरक का वर्ड्स बन जाएगा। फिर पिक्चर है हल्का, तो हल्का शब्द कहाँ पे है, सेकंड लाइन में सेकंड लेटर ह ल, वहाँ पे सर्कल करके हल। फिर बतख, तो लास्ट वाली लाइन में थर्ड लेटर ब त ख, तो वहाँ पे हम लिखोगे बतख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छुटा हुआ अक्षर लिखो, राइट द मिसिंग लेटर। तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि पहले तो लेटर क्या लिखा है वो आप लर्न करोगे। तो फर्स्ट लेटर है चरण, सेकंड है जनक, गर्दन, भजन, भगत, नगर, अमर और सड़क। तो इन वर्ड्स में से कौन सा लेटर मिसिंग है वो इस शब्द में से देख के हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है च र ण। ओके, उसके सामने ये इस तरह से दिया है च, फिर ब्लैंक, फिर ण। तो च दिया है, फिर कौन सा मिसिंग है र, तो हम यहाँ पे लिखेंगे र। फिर इसी तरह हम नीचे जो है जनक, इनमें से मिसिंग है झ, न लिखा हुआ है, फिर मिसिंग कौन सा है क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क। तो वही आपको देख के जो भी लेटर मिसिंग है वहाँ से देख के आपको लिखना है। फिर है कोष्ठक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हमें ऊपर ब्रैकेट में आंसर दिए हैं बतख, जग, बस और कप। तो साइड में हमें ब्लैंक्स में पिक्चर्स भी दिए हैं कि जगत ब्लैंक भर, तो जगत को क्या भरना है, तो पिक्चर कौन सा है जग। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना है जग, तो फर्स्ट जो है वहां पे आएगा जग। फिर सेकंड है तो करण ब्लैंक पकड़, तो करण को क्या पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, कप, क्योंकि हमें कप का पिक्चर दिया है कप। थर्ड है ब्लैंक सर सर चल, तो कौन सर सर चल, क्योंकि बत्तख, हमें बत्तख का पिक्चर दिया है ब त ख। फोर्थ है अजय ब्लैंक पर चढ़, अजय को कहाँ पे चढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो बस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिर सामने जो है वो समान शब्दों को जोड़ो, मैच द सेम वर्ड्स, तो वहाँ पे जो सेम वर्ड्स है उसको हमें मैच करना है, तो वो तो आपको भी आता होगा। ओके, तो पहले तो हम वर्ड्स लर्न कर लें। तो फर्स्ट है कमल, मगर, नल, घर, कलम, मटर और रथ। तो ये जितने भी वर्ड्स है ना, वो सेम, जितने भी सेम वर्ड्स है उसको हमें मैच करना है एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये आपका अपने होमवर्क में करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है वाक्य पढ़ो और लिखो, रीड द सेंटेंस एंड राइट। तो यहाँ पे पहले तो हमें जितने भी कितने फोर वर्ड्स दिए, तो फोर वर्ड्स हम पहले रीड कर लेते हैं, रतन नमन कर, जनक गरम कर, छगन बात कर, अजय कलम पकड़। तो वहाँ पे हमें ये सेंटेंस हमने पूरा लर्न कर लिया, फिर भी हमें जब ये सामने लिखना है तो वो फर्स्ट लाइन हमें डॉट वाली दी है, तो आपको डॉट में पहले डॉट को ज्वाइंट करके पूरा सेंटेंस लिखना है, फिर नीचे की लाइन के जो बाकी के सेंटेंस सामने से देख के यहाँ पे हमें अच्छी राइटिंग से लिखना है और
इसलिए दिया है आपको क्योंकि आपके जो हिंदी के राइटिंग है वो आपको ज़्यादा इम्प्रूव हो इसलिए। ओके, तो साथ में जब आप सेंटेंस लिखो तो साथ में आपको बोलना भी है कि जनक गरम कर, छगन बात कर और अजय कलम पकड़। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वन वॉवल्स है अ से अनार वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और जो सारी एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली। फिर भी आपको पता ना चले तो आप अपने घर पे मम्मी या पापा को पूछ सकते हो। ओके, तो हमने पेज नंबर कहाँ तक कंप्लीट किया, 11 तक। और ये सारी एक्सरसाइज आपको फिर से कहाँ पे कॉपी करनी है, नोटबुक में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वॉवल्स।